गांधारी के श्रापवश जब महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव कुल के परिवारों में परस्पर जो युद्ध हुआ वह युद्ध मूसल युद्ध के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात यादवों ने मूसलों से एक दूसरे को पीट पीट कर मार डाला तथा महाभारत में इसको मोसुल पर्व नाम से उल्लेखित किया गया है। अहिरवाल क्षेत्र में तो बच्चों को शैशव अवस्था में ही लोरी के रूप में मोसल चेतावनी दे दी जाती है कि लाला भाई सो जा रहे तेरी माँ गई से पानी ने ल्यावेगी गुड़ धानी, सोया नहीं तो तन्ने देना मन्ने देना आप ही खा जाएगी, तेरे मारे चाटू कीर मेरे मारे मूसल की। ये मूसल की मार यादवों के लिए अहिरों के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई है। जैसा कि सर्वविदित है दादा बलराम के प्रसिद्ध हथियार हल और मूसल ही थे। हमारे बुजुर्गों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि पटेरा नामक समुद्री घास के मूसलों से लड़कर लगभग सभी प्रमुख यादव सरदार काल कवलित हो गए तथा इसी वृतांत के आधार पर मैंने लिखा है, भाई ने किया भाई पर वार, पटेरा की बन गई तलवार, बह चली अहिर रक्त की धार, स्तब्ध थी धरा स्तब्ध परावार, यदुवंश का हुआ कुछ यूं श्रृंगार। यादवों के घृह युद्ध के बाद आहत श्री कृष्ण भगवान वैरावल के पास के जंगलों में आ गए तथा एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। पीपल के तने का सहारा लेकर पैर पर पैर रखकर भगवान श्री कृष्ण गहन चिंतन में लीन हो गए। उसी समय एक जरा नाम का भील उसी जंगल में अपनी भूख मिटाने हेतु जंगली जानवरों का शिकार करने आया हुआ था। झाड़ियों के मध्य जब उसने भगवान श्री कृष्ण के पंजे को देखा तो वह उसे हिरण का मुख प्रतीत हुआ। जरा नामक भील ने सोचा कि वहां कोई हिरण बैठा हुआ है। उसने अपने धनुष पर बाण रख व निशाना साध कर छोड़ दिया। बाण श्री हरि के पैर के पद्म में जा लगा और पैर लहू लुहान हो गया। जब शिकार को पकड़ने के उद्देश्य से वह पीपल के पेड़ के नीचे आया तो देखा श्री यादव श्री अहिर श्री कृष्ण को तीर लगा हुआ है तो वह भगवान के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। श्री अहिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह नियति का खेल है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तत्पश्चात घायल अवस्था में श्री हरि ने पास के पोखर से अंतिम बार पानी का आचमन किया। वह भाल का तीर से 5 किलोमीटर पैदल चलकर हिरण कपिला व सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आकर अपना देहोत्सर्ग कर दिया। यहीं पर भगवान बलराम जी ने तुरियापद की जल समाधि लेकर स्वर्गारोहण कर लिया। इस तरह द्वापर के दो महान करमवीर सूरवीर अहिरों ने यदुवंश की कीर्ति पताका फहराकर अपना अवसान प्राप्त किया। आज गुजरात राज्य के वैरावल नामक शहर से कुछ दूरी पर यह भालका तीर्थ स्थित है जहां पर श्री अहिर भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। पहले यहां पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था लेकिन आज यहां पर गुजराती यदुवंशी अहिर समाज के सहयोग से श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया गया है और समस्त यदुवंशियों के लिए यह गर्व का विषय है कि इस भालका तीर्थ मंदिर पर स्वर्ण कलश की स्थापना का अवसर केवल गुजरात के अहिर समाज को सर्वप्रथम दिया गया तथा मंदिर पर ध्वजारोहण का प्रथम अधिकार भी अहिर समाज को दिया गया। अहिर समाज ने भी
द्वारिका से भालका तीर्थ तक विश्व की सबसे बड़ी वाहन रैली निकालकर भालका तीर्थ मंदिर पर झंडा व स्वर्ण कलश की स्थापना करी। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अहिर समाज द्वारा भागवत सप्ताह का आयोजन करवाया जाता है तथा यहाँ पर होने वाले डायरे में लोग दिल खोलकर दान देते हैं। कुछ ही वर्ष पहले यहाँ एक ही रात के डायरे में 3.5 करोड़ के लगभग का दान इकट्ठा हो गया था। ये तीर्थ प्रत्येक अहीर के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। अतः सभी यादवों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए तथा श्री अहीर दादा श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने इस यादवों का स्वर्ग द्वार कहलाने वाले भालका तीर्थ कांड को एक ऐतिहासिक तीर्थ बना सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने समाज अपनी जाति का उत्तम इतिहास बता सके और उनके अपने इतिहास से उनको परिचित करा सके। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।